आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी में कालपी के मेडिकल हुआ धड़ाधड़ बंद। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर के मेडिकल स्टोर अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया। डीआई रेखा सचन को मात्र 4 मेडिकल स्टोर खुले मिले, जिसमें से नम्रिता मेडिकल, बबलू मेडिकल व विशाल मेडिकल स्टोर से दवाइयों के नमूने भरे गए एवं मोहम्मदी मेडिकल स्टोर में मालिक स्टोर पर नहीं मिला। गौर करने वाली बात यह थी कि डीआई के छापेमारी करने से नगर के मेडिकल स्टोर में हड़कंप मच गया। टर्नानगंज के अंदर बाजार, मुख्य बाजार, फुल पावर चौराहा, जुलहट्टी चौराहा व आनंदी देवी रोड पर स्थित लगभग सभी मेडिकल स्टोर धड़ाधड़ बंद हो गए व मेडिकल मालिक रफू चक्कर हो गए। इससे यही प्रतीत होता है कि ज्यादातर मेडिकल स्टोर प्रशासनिक निर्देशों को बताते हुए अवैध तरीके से दवाइयों की बिक्री कर रहे हैं, या कहें कि मेडिकल स्टोर में जमकर गड़बड़ियां हो रही हैं। इस बात को जिले की ड्रग इंस्पेक्टर रेखा सचान ने भी कैमरे के सामने स्वीकार करते हुए बताया कि 4 से 3 मेडिकल स्टोर के नमूने भरे गए हैं व जो मेडिकल स्टोर बंद हो गए यह अच्छी बात है। इससे कम से कम या तो मुझे पता चल गया कि कौन कौन गड़बड़ियां कर रहा है। मेडिकल स्टोरों में कार्रवाई की गई और आपने क्या पाया? रूटीन चेकअप हुए हैं, इंस्पेक्शन हुए हैं 4 मेडिकल स्टोर के कस्बा कालपी में। एक है बबलू मेडिकल स्टोर, दूसरा है नमिता मेडिकल स्टोर, तीसरा बढ़िया मेडिकल स्टोर है, चौथा है विशाल मेडिकल स्टोर। चारों जगह से में से 3 से नमूने लिए गए हैं जो जाँच के लिए जाएंगे। रिपोर्ट अगर फेल आती है तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई होगी, बाकी ऐसी कोई बड़ी चीज़ तो नहीं पाई गई है। मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ पे नगर आगमन पे 90% मेडिकल स्टोर बंद रहे, इसका क्या मतलब है? ये अच्छी बात है ना, पता चलता है कि कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन भाग रहा है डर के। तो अगली बार नहीं, अगली बार उनका नंबर है, कब तक भागेंगे? नहीं, नंबर है मैडम, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे ये बंद करके जाते हैं कि वहाँ मेडिकल स्टोर लिखा हुआ है तो उसको सील करने का कोई प्रावधान नहीं है। मैडम ये बताइए आपके नगर मैडम क्या है, पहले से हो जाती है क्या? ऐसा नहीं है, अगर मैं बबलू मेडिकल पे आई हूँ तो वहाँ से पता चलता है जाँच हो रही है और आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन्होंने एक मैसेज डाल दिया इस तरह से है तो वो सब सूचना चली जाती है, ठीक है। दूसरा ये है जो बंद कर रहा है उसको हम सील किस आधार पे करेंगे? वो कहेगा मेरी तबीयत खराब थी मैं बंद करके चला गया, उसके लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर होते हैं, वो भी किसी शिकायत पे बिना। लेकिन आप लोगों द्वारा शिकायत तो करनी चाहिए मैडम, सर निर्देश क्या देना चाहेंगे? जो शिकायत क्यों करेंगे हम, नेक्स्ट टाइम लोग जब आते हैं तो आप लोग देखते नहीं, अधिकारी का ये फर्ज होता है कि भाई वो देखे बार बार क्यों बंद। अधिकारी एक दिन में 20 दुकानें नहीं देख सकते, ठीक है मैडम। अभी बताइए जो बंद है इन पे कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल जब भी मेरा राउंड लगेगा तो एक एक करके सबका होगा। आज के लिए उनके लिए क्या मैसेज है? दुकानें ठीक कर लें और इंस्पेक्शन करा लें। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? अपनी दुकानें सुधार लें, जो गड़बड़ है ठीक कर लें, नहीं तो मेरे हाथ चढ़ गए तो दिक्कत हो जाएगी।